नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। कांग्रेस के उदयपुर में हुए चिंतन शिविर में एक व्यक्ति एक पद के अलावा 5 वर्ष से अधिक समय तक कोई भी व्यक्ति एक पद पर न बना रहे, इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। इसकी घोषणा शिरडी में आयोजित शिविर में की गई। इस प्रस्ताव पर अमल करते हुए शहर और ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष ने तुरंत ही प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के पास इस्तीफा सौंप दिया। मनपा चुनाव के जटिल दौर में अचानक शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे के इस्तीफे से उनके समर्थक कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई थी, लेकिन अब प्रदेश कांग्रेस ने मन बना लिया है कि मनपा चुनाव होने तक विकास ठाकरे ही अध्यक्ष बने रहेंगे। इससे समर्थकों में फिर से बल्ले बल्ले होने की जानकारी सूत्रों ने दी। नए अध्यक्ष की नियुक्ति और मनपा चुनाव होने तक विकास ठाकरे को ही बनाए रखने की भूमिका अपनाई गई। इस संदर्भ में प्रदेश अध्यक्ष स्वयं अपने स्तर पर फैसला लेंगे। इसके बाद यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा जाएगा। बताया जाता है कि गत 8 वर्षों से विकास ठाकरे शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद पर है। उनके कार्यकाल में पार्टी को मनपा चुनाव में हार देखनी पड़ी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में 2 विधायक चुनकर आए। महाराष्ट्र बोर्ड ने बुधवार को 12वीं का परीक्षा परिणाम ऑनलाइन घोषित किया गया, जहां मनपा स्कूलों ने 99.23% परिणाम लाकर एक नया इतिहास रच दिया। वहीं तीनों शाखाओं में छात्राओं ने ऊंची छलांग लगाते हुए अव्वल स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा मनपा के 3 कनिष्ठ महाविद्यालयों का परिणाम 100% रहा। तीनों शाखाओं के साथ ही पिछड़ा वर्ग से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कनिष्ठ महाविद्यालय की छात्रा नाजू राजेंद्र वासनिक ने सर्वाधिक 89.33% अंक हासिल कर प्रथम स्थान अर्जित किया। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी, अतिरिक्त आयुक्त दीपक कुमार मीना, अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी ने इन प्रतिभावान छात्रों को भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए सत्कार किया। मनपा मुख्यालय के स्थायी समिति सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षणाधिकारी प्रीति मिश्री कोटकर, सुभाष उपासे, राजेंद्र सुके, संजय दिघोरे आदि उपस्थित थे। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने कहा कि छात्रों की प्रतिभा को पहचान कर शिक्षक और मुख्याध्यापक द्वारा काफी परिश्रम किया गया, जिसके अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ ही छात्रों ने काफी मेहनत की। छात्रों की सफलता में उनकी मेहनत के अलावा शिक्षक और मुख्याध्यापक ने भी काफी मेहनत की। पालकों ने मनपा के कनिष्ठ महाविद्यालय पर विश्वास जताकर बड़ा योगदान दिया। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने से एक और जहां प्रशासन की चिंता बढ़ने लगी है, वहीं दूसरी ओर अब लोग भी सतर्क होने लगे हैं। मंगलवार को जिले में 25 संक्रमित मिले थे, वहीं बुधवार की रिपोर्ट में 15 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें सिटी में 8, ग्रामीण में 5 और 2 अन्य जिलों के हैं। संक्रमित बढ़ने के साथ ही प्रशासन द्वारा टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है। इस बीच जिले में 746 लोगों की जांच की गई। फिलहाल सभी संक्रमित होम आइसोलेशन में रहकर ही उपचार कर रहे हैं। अब तक किसी भी संक्रमित के गंभीर होने और अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल जिले में 58 एक्टिव केस है, इनमें सिटी में ही सबसे अधिक है। डॉक्टरों की माने तो बारिश के सीजन में संक्रमण बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है। यही वजह है कि भीड़ वाली जगह पर मास्क का उपयोग करना चाहिए। मास्क का उपयोग केवल कोरोना ही नहीं बल्कि संक्रामक बीमारियों से भी बचाता है। डॉक्टरों की माने तो फिलहाल जिले में स्थिति सामान्य बनी हुई है। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा मार्च में ली गई 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम बुधवार को दोपहर 1 बजे ऑनलाइन घोषित किया गया। कोविड की वजह से इस बार अन्य स्कूलों में केंद्र की बजाय होम सेंटर में परीक्षा ली गई। इसमें नागपुर विभाग ने राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया। विभाग का कुल परिणाम 96.52% रहा। कोविड से पहले आने वाले परिणाम में अक्सर नागपुर विभाग 5वें स्थान के बाद ही रहता था, लेकिन इस बार सुधार हुआ। विभाग में गोंदिया जिला पहले स्थान पर रहा, उसके बाद भंडारा व तीसरे स्थान पर नागपुर जिला रहा, जबकि सबसे कम परिणाम वर्धा जिला का रहा। विभाग में कुल 1,60,028 विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन भरा था। इनमें से 1,59,106 विद्यार्थी शामिल हुए, जबकि 1,53,584 विद्यार्थी पास हुए। उत्तीर्ण विद्यार्थियों में 77,772 लड़के और 75,812 लड़कियों का समावेश रहा। लड़कियों की संख्या भले ही कम थी, लेकिन उत्तीर्ण होने वालों में लड़कियां ही अव्वल रही। लड़कियों का कुल परिणाम 97.47% रहा। इस बार परिणाम में बढ़ोतरी की वजह से मेरिट में आने वालों की भी संख्या बढ़ गई। कोरोना की तीसरी लहर पूरी तरह से नियंत्रित होने के बाद अब अचानक गत कुछ दिनों से जिले के साथ ही शहर में कोरोना बाधितों का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इससे मनपा पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर आ चुकी है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक दिन पहले हुई आपात बैठक के बाद मनपा का पूरा स्वास्थ्य विभाग कोरोना टेस्ट की गति बढ़ाने में जुट गया। इसके लिए अलग अलग स्तर पर टीमें भी तैयार की गई। बुधवार को सर्वप्रथम मनपा में कार्यरत NDS दस्ते के कर्मचारी और मनपा के अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का टेस्ट कराया गया।
मनपा आयुक्त ने कोरोना बाधितों के संपर्क में आने वाले लोगों को स्वयं कोरोना टेस्ट सेंटर जाकर जांच कराने की अपील की थी। बुधवार को कई टेस्ट सेंटर पर इस तरह के लोग टेस्ट के लिए पहुंचे। बताया जाता है कि भले ही वर्तमान में कोरोना की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन बाधितों के आंकड़ों को नियंत्रण में रखने के लिए उपाय जरूरी है। यही कारण है कि संक्रमण की श्रृंखला खंडित करने मनपा के स्वास्थ्य विभाग को टेस्ट अभियान चलाने की हिदायत मनपा आयुक्त ने दी है। केंद्र सरकार और रेलवे की देशभर में जारी महत्वाकांक्षी थर्ड लाइन परियोजनाओं के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेल जोन में शामिल नागपुर रायपुर तीसरी लाइन का काम सालेकसा और दरेकसा स्टेशनों के बीच बंद पड़ा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के तहत आने वाले इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 11.20 किलोमीटर है। खास बात है कि इस सेक्शन में केवल 250 मीटर के पैच में ही निर्माण कार्य किया जाना है, लेकिन नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ NBWF और स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ SBWF की ओर से अनुमति नहीं दी जा रही है। यदि ये पैच बन जाए तो भंडारा से दुर्ग तक 102 किलोमीटर की पूरी लाइन मिल जाएगी। नागपुर से तिरोड़ा और तुमसर व भंडारा रोड तक पहले ही 68 किलोमीटर की पटरी बिछ चुकी है। नागपुर से रायपुर के बीच बन रही यह तीसरी रेल लाइन करीब 100 वर्ष पहले बने हावड़ा रेल रूट से लगकर बनाई जा रही है। इस रूट पर कई पुराने पुल और सुरंगें बनी हुई है। जानकारी के अनुसार नई पटरी बिछाने के लिए पहाड़ियां काटना जरूरी है, लेकिन विस्फोट के कारण करीब 100 वर्ष पुरानी टनल में दरारें आ रही है। ऐसे में NBWF और SBWF अनुमति देने में आनाकानी कर रहा है। टीकाकरण ही कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है। मुंबई समेत देश के कई हिस्सों में कोरोना के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में अगर नागरिक पहला डोज ले चुके हैं तो वे दूसरा डोज ले, यदि दूसरा ले चुके हैं तो बूस्टर डोज ले। सुनिश्चित करें कि आपके घर में बच्चे पूरी तरह से टीकाकृत है या नहीं। नागरिक टीका लगवाने पर ध्यान दे, इस आशय के विचार जिलाधिकारी आर विमला और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर ने व्यक्त किए। अधिकारियों ने यह सुझाव टीकाकरण अभियान की समीक्षा बैठक व जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक के बाद दिया। बुधवार की बैठक में जिले से मरीजों की बढ़ती संख्या की समीक्षा की गई। इस संबंध में विशेषज्ञों की टिप्पणियों पर भी चर्चा की गई। पिछले कुछ दिनों में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी जरूर हो रही है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी नागरिकों को घबराना नहीं चाहिए। साथ ही उन्हें कोरोना वायरस का असर खत्म हो चुका है, इस गलतफहमी से भी दूर रहना चाहिए। कोरोना का एकमात्र इलाज टीकाकरण ही है, इसलिए बूस्टर डोज लेना भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग ने 1 जून से हर घर दस्तक टीकाकरण अभियान शुरू किया है। मध्य रेल महाप्रबंधक अनिल कुमार लाहोटी ने मध्य रेल के 10 कर्मचारियों यानी नागपुर मंडल के 1, मुंबई मंडल के 3, भुसावल पुणे और सोलापुर मंडल से 2-2 कर्मचारियों को महाप्रबंधक संरक्षा पुरस्कार प्रदान किया। मंगलवार को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई में आयोजित एक समारोह में मई 2022 के माह के दौरान ड्यूटी के समय उनकी सतर्कता, अप्रिय घटनाओं को रोकने में योगदान और ट्रेन संचालन में संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुरस्कार दिए गए। उक्त पुरस्कार में एक पदक के साथ प्रशस्ति प्रमाण पत्र, अनुकरणीय संरक्षा कार्य का एक प्रशस्ति पत्र और 2,000 रुपये का नगद पुरस्कार शामिल है। मोहम्मद रजा आलम, ट्रैक मेंटेनर, नागरी नागपुर मंडल ने गेटमैन की ड्यूटी के दौरान मालगाड़ी के एक डिब्बे में गर्म धुरा एक्सेल देखा और तुरंत लाल सिग्नल के साथ ट्रेन को रोक दिया। सहायक लोको पायलट और गार्ड ने पुष्टि की कि यह हॉट एक्सेल था। इसकी सूचना स्टेशन प्रबंधक नागरी को दी गई। वैगन को स्टेशन पर हटा दिया गया था। इस प्रकार उनकी समय पर कार्रवाई एक बड़ी संभावित दुर्घटना को टाल सकी। अनिल कुमार लाहोटी महाप्रबंधक मध्य रेल ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि मोहम्मद रजा आलम समेत तमाम पुरस्कार विजेताओं ने अत्यंत सराहनीय योगदान दिया है। मध्य रेल नागपुर मंडल में मंडल रेल प्रबंधक ऋचा खरे के मार्गदर्शन में 3-9 जून 2022 तक मना जा रहे अंतर्राष्ट्रीय समपार फाटक जागरूकता सप्ताह के तीसरे दिन संरक्षा विभाग की टीम द्वारा नागपुर मंडल के नागपुर काटोल नागपुर सेवाग्राम और माजरी पिंपल खुटी सेक्शन में जाकर रेलवे गेटों, ग्राम पंचायत और बस स्टैंड पर आम नागरिकों एवं रेलवे फाटक उपयोगकर्ताओं को फाटक पार करते समय बरती जाने वाली सावधानियों से अवगत कराया गया। इस अवसर पर सभी को पैम्पलेट आदि वितरित किए गए। नागपुर महानगरपालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए निगम के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोवैक्सीन टीका उपलब्ध होगा। टीका सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। सीए रोड गांधीबाग भावसार रोड से गांधीबाग उद्यान तक मार्ग का नामकरण दानवीर समाज श्री स्वर्गीय हजारीलाल अग्रवाल के नाम से किया गया है।
मार्ग के उद्घाटन समारोह में पुत्तारेश्वर राम मंदिर के प्रबंधक ट्रस्टी रामकृष्ण पुद्दार के हस्ते दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री विलास मुक्तिमवार, पूर्व महापौर दयाशंकर तिवारी, कांग्रेस अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे, विधायक अभिजीत वंजारी, पूर्व विधायक गिरीश व्यास, केंद्रीय खादी ग्रामोद्योग सदस्य जयप्रकाश गुप्ता, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस व्यापारी सेल के अध्यक्ष अतुल कोटेचा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे, उत्तर भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष उमाकांत अग्निहोत्री, कांग्रेस उपाध्यक्ष रमन पैगवार, हल्दीराम के संचालक शिव कुमार अग्रवाल, पूर्व नगर सेवक सुनील अग्रवाल, विद्या राजेश कन्हेरे, सरला कमलेश नायक, संजय कुमार बाल पांडे, कांग्रेस उपाध्यक्ष आशीष दीक्षित उपस्थित थे। सर्वप्रथम अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर दानवीर हजारीलाल अग्रवाल के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। अतिथियों को बुके देकर सत्कार एनवीसीसी अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया, होलसेल ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के सचिव प्रताप मोटवानी, कैलाश जोगानी, राधाकृष्ण हॉस्पिटल के गोविंद पोद्दार, रमेश अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, पवन पोद्दार, बाबू भाई कादरी, प्रभाकर खापरे, पिंटू बागड़ी, महेश जेजानी, विरभान तुलसियानी, दीपक लाहोटी, भोगीलाल शाह ने किया। समाज सेवी अतुल कोटेचा ने प्रस्तावना में दानवीर हजारीलाल अग्रवाल द्वारा किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। विश्व प्रसिद्ध वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट एसोसिएशन वर्ष 1958 से अभी 200 से अधिक देशों में विश्व शांति और न्याय के लिए काम कर रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है तथा प्रत्येक देश में संगठन के कार्यालय है। ये संगठन मानव और सामाजिक विकास से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए जाना जाता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निस्वार्थ भाव से समाज के लिए कार्यरत कार्यकर्ता को उनके काम के सम्मान में वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट एसोसिएशन की ओर से विश्व ख्याति का प्रतिष्ठित वर्ल्ड पार्लियामेंट इंटरनेशनल अवार्ड दिया जाता है। साथ ही इस विश्व प्रसिद्ध संगठन की आजीवन सदस्यता भी प्रदान की जाती है। ये बहुत ही प्रशंसनीय और गर्व की बात है कि इस वर्ष वर्ल्ड पार्लियामेंट इंटरनेशनल अवार्ड 2022 के लिए पूरे देश में से अपने नागपुर शहर के उच्च शिक्षित प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर प्रीतम गेडाम का चयन किया गया है। अनेक वर्षों से डॉक्टर गेडाम गंभीर सामाजिक मुद्दों, विकास और जन जागरूकता के लिए लेखक, स्तंभकार, सामाजिक कार्यकर्ता, मार्गदर्शक, साहित्यकार, प्रोफेसर, अतिथि व्याख्याता, परामर्शदाता, पर्यावरणविद और विश्लेषक जैसी कई भूमिका निभाते आ रहे हैं। उनके हजारों की संख्या में लेख जागरूकता हेतु देश विदेश से प्रकाशित हो चुके हैं। चरिया शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर गुरुदेव के आज्ञानुवर्ती शिष्य त्रय प्रशम सागर जी, अनुपम सागर और साध्य सागर जी मुनिराजों का चतुर्मास मोठे मंदिर में होने जा रहा है। इस विषय पर मोठे मंदिर के इतवारी स्थित इंद्र भवन में नागपुर के सकल जैन समाज की बैठक संपन्न हुई। इसमें सभी दिगंबर जैन मंदिर के अध्यक्ष, मंत्री, संस्था अध्यक्ष, युवा वर्ग, मुनि भक्त उपस्थित थे। मीटिंग में संस्था अध्यक्ष उदय जैन, संयोजक देवेंद्र आग्रेकर, उपसंयोजक जितेंद्र लाड़, सेनगण मंदिर के अध्यक्ष सतीश पेंढारी जैन ने बैठक को चतुर्मास के बारे में अवगत कराया। उपयुक्त सूचना एवं मार्गदर्शन भी किया। उपस्थित सभी ने इस चतुर्मास के लिए तन मन धन से सहकार्य रहेगा ऐसा जाहिर किया। इन सभी ने चतुर्मास के लिए कुछ सूचना भी साझा की। चतुर्मास अच्छी तरह से हो इसलिए हर काम के लिए समितियां बनाई गई हैं। इसमें स्वेच्छा से सभी ने भाग लिया। मुनि श्री प्रशम सागर जी, अनुपम सागर जी एवं साध्य सागर जी का विहार जबलपुर से नागपुर की ओर 12 जून को हो रहा है। नागपुर में 27 जून को अगवानी होगी। बड़ी धूमधाम के साथ अगवानी की तैयारी जोरों से चल रही है। 14 जुलाई को चतुर्मास कलश स्थापना इंदिरा भवन में होगी। ये जानकारी प्रचार प्रसार प्रमुख हीराचंद मिश्री कोट करने थी। ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप हैदराबाद में आयोजित की गई, जिसमें देश भर के करीब 2000 से 3000 बच्चों ने हिस्सा लिया था। नागपुर के राघव हेमंत पुरोहित ने गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपने परिवार का व नागपुर का नाम रोशन किया। राघव प्रसिद्ध समाज सेवी इंदरचंद पुरोहित के पोते हैं। राघव ने अपनी जीत का श्रेय अपने परिवार और गुरु को दिया है। नागपुर वापसी पर उनका जोर शोर से स्वागत किया गया। इस अवसर पर राजस्थानी ब्रह्म समाज से भावेश जोशी, सतीश शर्मा, अभिषेक जोशी, अमित तिवारी, पीयूष जोशी, गौरव शर्मा और परिवार के सभी लोग उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि हाल ही में हुए खासदार क्रीड़ा महोत्सव में भी नागपुर के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन कर सबको चौंका दिया है। जो पाया है वो वापस लौटाना है, प्रकृति का कर्ज चुकाना है। संकल्प के साथ आर्य विद्या सभा द्वारा संचालित दयानंद आर्य कन्या विद्यालय एवं कनिष्ठ महाविद्यालय में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। पर्यावरण विभाग की इंचार्ज अध्यापिका प्रियंका मेहता के सहयोग से प्राचार्य, अध्यापिकाओं एवं शाला के छात्राओं द्वारा विभिन्न मर्जिनाटा, तुलसी, एलोवेरा, जेड प्लांट, मयूरपंखी आदि पौधों का रोशन शाला के प्रांगण में किया गया। छात्रों को विभिन्न पौधे का वितरण किया गया। शाला के समस्त अध्यापिकाओं ने अपने अपने घरों में एक एक पेड़ लगाकर स्वास्थ्य पर्यावरण का संकल्प लिया।
प्राचार्य तेजेंद्र वेणुगोपाल ने वृक्षारोपण अभियान के उद्देश्य को उजागर करते हुए सभी विद्यार्थियों एवं पालकों से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील की। प्राचार्य ने पर्यावरण संवर्धन व संरक्षण का भी आह्वान किया। संस्था अध्यक्ष अशोक कुमार पलानी, सचिव राजेश लालवानी तथा अन्य सभी पदाधिकारियों ने शाला की ओर से चलाई जा रही वृक्षारोपण अभियान की सराहना की। भविष्य में पुलिस विभाग द्वारा पुलिस विभाग में भर्ती प्रक्रिया बड़े पैमाने पर होने वाली है। विदर्भ के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं एवं युवतियों को सफलता प्राप्त इस उद्देश्य से क्लिक टू क्लाउड और बेटिया शक्ति फाउंडेशन नागपुर के संयुक्त तत्वावधान में नागपुर में विदर्भ की महिलाओं एवं युवतियों के लिए निःशुल्क पुलिस भर्ती पूर्व निवासी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। विदर्भ के ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा और अन्य साधनों का अभाव होने से महिलाओं का भविष्य दिनों दिन अंधकारमय हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं परिश्रमी होने के बावजूद मार्गदर्शन और आर्थिक दृष्टि के अभाव में अनेक क्षेत्रों में पीछे हटने पर मजबूर हो रही है। आने वाले समय में महाराष्ट्र पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर पुलिस भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। विदर्भ के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सफलता दिलाने हेतु क्लिक टू क्लाउड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत मिश्रा की संकल्पना और सहयोग से बेटिया शक्ति फाउंडेशन नागपुर द्वारा निःशुल्क पुलिस भर्ती पूर्व निवासी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर 3 महीने तक रहेगा। इस शिविर में तांत्रिक पद्धति से मैदानी प्रशिक्षण, लेखी परीक्षा का उच्च दर्जा का प्रशिक्षण, स्पर्धा परीक्षा की किताबें निःशुल्क दी जाएगी। नागपुर जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने 12वीं मैट्रिक की परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों को बधाई दी और उनके शैक्षणिक प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी हैं। कोरोना संकट ने छात्रों को घर पर रहकर पढ़ाई करने पर विवश कर दिया था। राउत ने कहा कि ऑनलाइन सीखने की सीमाओं के बावजूद छात्रों द्वारा दृढ़ता के माध्यम से प्राप्त की गई सफलता कई मायने में विशेष है। छात्रों का करियर 12वीं कक्षा के परिणामों पर निर्भर करता है, इसलिए आज 12वीं की परीक्षा का विशेष महत्व हो गया है। आज 12वीं पास कर चुका हर छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण कर एक नई राह की ओर कदम बढ़ाएगा। उन्होंने सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि असफल छात्रों को निराश हुए बिना कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए, तभी अगली बार वे अवश्य सफल होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 105 घंटे और 33 मिनट में NH-53 पर एक ही लेन में 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की घोषणा की है। एक वीडियो संदेश में गडकरी ने कहा कि भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोषित आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत NHAI ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने प्रमाणित किया है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के अमरावती से अकोला जिले के बीच NH-53 पर एक ही लेन में 105 घंटे 33 मिनट 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि इस अभूतपूर्व सड़क निर्माण के शुभारंभ अवसर पर राजपथ इंब्रागोन प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक जगदीश कदम ने कहा था कि 7 जून को शाम 7 बजे तक लगातार 110 घंटे काम करके ये विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जबकि ये विश्व रिकॉर्ड उससे करीब 4.5 घंटे पहले ही 105 घंटे 33 मिनट में बन गया। गडकरी ने बताया कि 75 किलोमीटर सिंगल लेन निरंतर बिटुमिनस कंक्रीट रोड की कुल लंबाई 37.5 किलोमीटर टू लेन पक्की शोल्डर रोड के बराबर है। श्री लोहाणा सेवा मंडल की ओर से हिवरी नगर स्थित श्री छोटेलाल माधवजी सूचक भवन में लोहाणा वैष्णव परिवारों के लिए श्री महाप्रभु जी की बैठक का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। श्री महाप्रभु जी की बैठक के मनोरथी परिवारों को पुष्टि मार्गीय गुरुदेव बनारस काशी कामवान से गोस्वामी कुल के श्री कल्याण राय जी महाराज श्री ने आशीर्वाद दिया। महाराज श्री के स्वागत में महिला समिति की सभी सदस्यों ने भक्ति गीत पर नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की संयोजिका हेमाबेन राजा, संयोजक गिरीश सुबा ने बताया कि अध्यक्ष विपिन तन्ना ने प्रस्तावना रखी। कार्यक्रम के संयोजक किरीट वासानी ने महाराज श्री का परिचय दिया। पश्चात ठाकुर जी की आरती पर भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। सफलतार्थ मंडल के समस्त पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य, पूर्व अध्यक्षगण, सहयोगी सदस्य, मंडल की महिला समिति की सभी सदस्य, महिला समिति के सहयोगी गण, नागपुर की पुष्टि मार्गीय 4 हवेली, श्री मदन मोहन जी हवेली सीतावर्डी, श्री मदन मोहन जी हवेली बड़कस चौक, श्री बालकृष्ण हवेली धारसकर रोड इतवारी व गोवर्धन नाथ जी हवेली वर्धमान नगर के सभी ट्रस्टीगण, मुखिया जी आदि ने सहयोग दिया। कार्यक्रम का संचालन मंडल के सचिव जयेश वासानी ने किया। POS मशीन के अपडेट को लेकर हर माह किए जाने वाले विलंब के चलते कार्ड धारकों को राशन की दुकानों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पिछले एक वर्ष से मशीन को लेकर ये खेल खेला जा रहा है। राशन दुकानों में माल आकर पड़ा रहता है, लेकिन दुकानदार मशीन के अपडेट होने के बिना माल नहीं दे सकते हैं। मशीन के अपडेट को लेकर राशन दुकानदारों ने सरकार से कई बार मांग की जा चुकी है, लेकिन इसमें हमेशा मनमाने वाला ही खेल चलता है। इससे जहां राशन दुकानदार परेशान है, वहीं लाभार्थी भी समय पर राशन नहीं मिलने से हलाकान है।
नियमानुसार POS मशीन माह की 1 तारीख को शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन हर माह इसे कभी 10 तारीख को शुरू किया जाता है तो कभी इसे आधा महीना गुजर जाने के बाद शुरू किया जाता है। हर माह कुछ न कुछ तकनीकी खराबी वो कुछ जिलों में अनाज देरी से पहुंचने का कारण बताकर हाथ झटक लिया जाता है। इसमें सरकार हर 7 तारीख को अन्न दिवस मनाती है, लेकिन इसके बाद भी लोगों को इस दिन राशन नहीं मिल पाता। भुक्तभोगियों के अनुसार जब सरकार अपने सिस्टम को ठीक नहीं कर सकती है तो अन्न दिवस का दिखावा क्यों किया जाता है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB News। नमस्कार।